कहाँ चली गई? इसे संभालने में पूरा दिन निकल जाता है। माँ कहाँ चली गई? ओहो, ये माँ भी ना। माँ माँ दूध को चढ़ा के कहाँ चली गई? और मेरे ये पति जब भी बाहर जाते हैं मुझे कभी फोन नहीं करते, मुझे ही उन्हें फोन करना पड़ता है। हाँ बोल। कहाँ पर हो आप? और कहाँ, गो करना क्रॉस कर रहा हूँ। पहले ये बताइए सीट बेल्ट तो पहना है ना? ए, मैंने कब बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाई है? माँ माँ यहाँ छत पर भी नहीं है। हाँ बोलिए। अरे मैंने अभी एक मीम भेजा है। पहले आप घर तो आइए फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे मैंने बहुत मेहनत करके बनाया डाले हैं। अपनी तारीफ करना बंद करो, और वैसे भी इतना बकवास जोक करने के लिए सुबह से और कोई नहीं मिला क्या? अगर तुम सुधरे नहीं ना तो मैं बच्चे को किसी और का नाम दे दूंगी। ऐसा बोला तो चप्पल से मारूंगा। अच्छा देखते हैं। तो तुझे मेरा जोक कैसा लगा? आज मूड बड़ा अच्छा है, लगता है चेक मिला है, मुझे बताया नहीं। अरे वो डील पिछले हफ्ते ही हो गई थी। अरे क्या बात है, मैंने सोचा जब पैसे मिल जाएंगे तो बता दूंगा। मैं नजर लगाती क्या? इसकी तो साले तेरी माँ की। साला कमीना। ये क्या भाषा बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो दिमाग से पैदल लोग गाड़ी चलाते हैं। चल ये सब छोड़, वो अपने छोटों के लिए जिस लड़की का रिश्ता आया था उसका कुछ हुआ? गुड बॉय। सिर्फ आप ही की बात सुनता है मैडम, घर पर तो हमारी सुनता ही नहीं, और आसपास वाले सारे उसे पागल कहते हैं। काउंसलिंग उसको नहीं आपको देनी पड़ेगी। आप बस इतना कीजिए, मैंने जो एक्सरसाइज कही है उसे इससे करवाइए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सिद्धू मेरे बोलने के बाद तुम्हें बोलना है, ठीक है? आ, आ, ओके। मम्मा मा 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 गुड मम्मा, ठीक है। तो अब पा 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 पापा माँ 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 मम्मा।
और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वोकल कॉर्ड्स में कोई खराबी नहीं है। मुझे टिपिकल सोशल विड्रॉल सिंड्रोम लग रहा है, यू नो। दरअसल आजकल ये कॉमन हो चुका है संयुक्ता, तुम्हें तो ये पता ही होगा ना। और ज़रूरी भी नहीं है कि कोई मेजर इवेंट हुआ हो। दरअसल बच्चों के बीच स्कूल में जो होता है उसकी वजह से भी बच्चे एक तरह के शैल में चले जाते हैं। आपको पता नहीं, ऐसा नहीं, पूरा एक साल हो गया इसने एक शब्द नहीं बोला। हम लोगों का चेन्नई से यहाँ आने का कारण भी यही था। देखो इसे भी रास्ते में खड़े रहकर पिकअप कर। चलो। हाय भाई। नमस्ते, कैसे हैं आप? और काम कैसा चल रहा है? अगले हफ्ते से ही काम शुरू कर रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और वो फॉरेन से आर्किटेक्ट आने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, वो आ गई ना सर, अभी गाड़ी में ही है तो उन्हें साइट पे लेके जा रहा हूँ। तुम यहाँ परिवार के साथ आए हो, रहने का इंतजाम तो सही है ना? सर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जानबूझ के काम में टांग अड़ा रहे हैं, तो उनका कुछ कीजिए ना। पोल्यूशन कंट्रोल वालों को तो आजकल साधारण आदमी भी जाकर डांट देता है, तो फिर मेरे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? छोड़ो उन्हें, मैं देख लूंगा। सर अगर अगले हफ्ते तक बिजली की लाइन आ जाए तो काम शुरू करने में आसानी हो जाएगी। अंदर तो गुदी है मेले। आर्मुगा। मैं सर से बात कर रहा हूं ना। दो दिन रुक जाओ। अगर उसने मेरा काम नहीं किया ना तो देखना उसकी बैंड बजा दूंगा। जी जी सर। वो सब तो ठीक है लेकिन प्रोजेक्ट सर जो डेट दी गई है उसके अंदर ही मैं काम खत्म कर दूंगा। ठीक है, जल्दी खत्म कर दो। जी जरूर कर दूंगा। दिखाई नहीं देता, मैं फोन पे बात कर रहा था। मिनिस्टर थे। मैंने दुकान में दिया है, शाम का के लेने के लिए बोला है। ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। भैया मेरा साइकिल शाम को आकर ले लेंगे। चलो। ठीक है भैया। भैया आप लोग आके जाइए, मैं आ जाता हूँ। जल्दी अंदर आ जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक सामान उतार देता हूँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। Work on the buildings and not touch the landscapes. Itne skilled architects is samay mein milna bahut mushkil hai Gautam. Sure Gayatri, yahi main bhi soch raha tha. 10 saal se abandoned is property mein bahut sari jhaadiyan ugi hui hain aur gandagi bhi bhari hui hai. To agar ye sab kuch na
कम्प्लीटली रिमूव करके 500 विलाज खड़े हो जाए, ऐसी इको फ्रेंडली टाउनशिप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। साउथ इंडिया में इतनी बड़ी इको फ्रेंडली टाउनशिप अब तक तो किसी ने खड़ी नहीं की होगी। सच में गायत्री, मैं भी आजकल सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें शट अप, क्यों नहीं, चार जार्गन क्या सीख ले, तुम तो कुछ भी बोलते जाओगे। यू रियली डोंट केयर व्हाट आई डू, राइट? यू जस्ट वांट माय नेम अटैच्ड टू दिस प्रोजेक्ट। सच बताओ, नहीं है ना? देखो गायत्री, तुम्हारे पापा मिस्टर रमन की तरह मेरे पापा ने कोई करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़ी है। आज अगर मैं कमाऊंगा तब जाकर मेरा बेटा तुम्हारी तरह एटीट्यूड से बात कर पाएगा। गौतम, क्यों गौतम? Hey, इतना क्यों बोल रहे हो? हाँ, सारी गलत काम करके ऐसे जता रहे हो जैसे तुम अपने बेटे के लिए कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि कभी पीने का पानी भी हमें खरीदना पड़ेगा? नहीं ना, पर आज हाँ, कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और शायद तब उसे सांस लेने के लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे, तब वो तुम्हें अपने सर पर नहीं बिठाएगा, तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, ये सब मुझसे नहीं होगा। गायत्री चिल, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? हाँ, ये भी कोई बात हुई क्या? इसी मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। योर हस्बैंड सर इधर, क्यों इतना टेंशन लेती हो? हे, पता है ना मैं और गायत्री बचपन से कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। दिख रहा है कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। सैम, मैंने बस एक ही गलती की जो तुम्हें इस कमीने से मिलवाया, अभी पता चला। आदिति कम, घर आ गया है, मेकअप बहुत हो गया, चलो बाहर आओ। पहुंच गए क्या? हाँ पहुंच गए, पहुंच गए। कार्टून की तरह चल रही है। ए कम कम कम, ए केयरफुल सिद्धू, वेलकम टू माय हंबल अपार्टमेंट। धर्मा, सारा सामान अंदर ले जाओ। कम, आई विल गिव यू चॉकलेट। सो प्रीटी, ये सब मैं रखता हूं। वाओ, कितना बड़ा घर है। जाइए, हां वही है, वहां जाइए। हाँ सुनाई दे रहा है? वहाँ देखो, वो है लाल गोरैया, मैं उसे देखे बहुत दिन हो गया बेटा। पता नहीं तुम बड़े होने तक ये सब रहेगा क्या नहीं। ठीक है चलो, हमें ढूंढ रहे होंगे, यहाँ से जल्दी चलते हैं। सिद्धू की उम्र क्या है? उसके लिए तुमने कभी आर्ट थेरेपी ट्राई नहीं की? नहीं की, पर अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता तो शायद ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। उसके बाद तुमने उन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की? गायत्री, तुम मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है मेरी फैमिली। बाहर बड़ी बड़ी बातें हैं और अंदर न जाने कितने राज खड़े हैं। तुम एक बात बताओ, जहाँ तक मैंने देखा है, जब भी कोई इंसान जिंदगी में चार पैसे कमा लेता है ना, तो उसके लिए जाति, मतभेद, धर्म, ये सब कहाँ चले जाता है उसे पता ही नहीं चलता। गौतम इन सबसे लड़ रहा है, मैं भी उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इन सब में सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात हुई है, पता है वो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमें मिला है। इस पूरी प्रॉपर्टी को तुमने खरीदा है? मिनिस्टर को पता चला ना तो चमड़ी उधेड़ के सीधे हाथ में देगा। ओह, तो ये हमारी नहीं है। अच्छा, तुम वापस कब जा रही हो? सिद्धू, क्या देख रहे हो यहाँ खड़े रह के? कुछ नहीं, टाइम हो गया ना, जाओ जनरेटर शुरू करो। ठीक है।
रुको, मैं बेल्ट लेके बदल दूंगा पर जनरेटर बहुत तकलीफ दे रहा है। अरे छोड़ो ना यार, अगले हफ्ते से बिजली की लाइन आ जाएगी। दीदी दीदी, हेयर स्ट्रेटनिंग करने से बाल डैमेज हो जाते हैं, पता है आपको? ये पूरी तरह से हर्बल है। कौन है? मेरा पुराना दोस्त है कृष्णा। हम जिस निकम्मे कृष्णा को जानते हैं ये वही है ना? वो भाई का भी दोस्त है ना? हमारे घर पे आता जाता था, वो काफी हैंडसम था। ये पुरानी बात है, पर तुम क्यों इतना उछल रही हो? अब उसकी शादी हो चुकी है। मैं तो मजाक कर रही थी। दीदी, उससे अपना लेटेस्ट फोटो भेजने बोलो ना प्लीज। तुम्हें किस लिए चाहिए उसकी फोटो? वो क्या है ना दीदी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मोटा हो गया है कि अभी भी। वाह दीदी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, प्लीज। तुम्हारे भाई को आ जाने दो, फिर तुम्हें बताती हूँ। थोड़ी खिंचाई करते हैं ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, पूछती हूँ। अदिति वांट्स योर फोटो। उसे लगे कि आप फोटो मांग रही हो। अच्छा प्लीज। एक काम करते हैं, उससे फोटो मांगने से अच्छा है हम अपनी फोटो भेज देते हैं। ओके। वाह दीदी, सोफे पर और अच्छे से आएगा। क्या टॉर्चर कर रही है, चल तो जान खा के रहेगी। अब तुम अपनी फोटो मुझे भेजो। मेरी फोटो तुम्हारे फोन में है? मेरे फोन में कहाँ है? तुम्हारे फोन की गैलरी में मत देखो, अभी जो फोटो खींची उसमें मैं दिखूंगा। क्या बकवास कर रहा है ये? आप देखो ना, तुम जब सीरियस हो जाओगी तभी मैं तुम्हें दिखूंगा। दीदी जरा आपका फोन देना। हे, वहां देखो। अगर यहां पर हम सिर्फ दो लोग हैं तो फिर इस फोटो में यहां तीसरा कौन है? इट्स ओके इट्स ओके, अब मेरा फोन तोड़ोगी क्या? कृष्णा पागल कहीं का। मैं उसे टेक्स्ट कर रही हूँ तो वो हम दोनों को डरा रहा है। ये पढ़ो, बोल रहा है कि वो इस फोटो में है। जरा दिखाओ मुझे, कहाँ है वो इसमें? यहाँ देखो गायत्री। अरे वहाँ जो फ्लावर वास है ना, उसी की परछाई है ये। अंधेरे में दिखने वाली हर चीज भूत नहीं होती, ध्यान से देखो। ये तो बस ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ नहीं। ये जो कह रही है वो सही लग रहा है। कौन है ये? देखो तुम्हारे आने की बात भी इसे पता है। कौन है यही पूछा ना, इन सब चीजों पर विश्वास करना बंद करो, समझी? ये सब तो बेकार की बातें हैं। वो गौतम का दोस्त है ना, तो वैसा ही होगा। सही कहा तुमने,
मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे सब पता है। अदिति डर रही है, उससे कहो ये सब बंद करे। शायद वो पागल हो गया है, उसे रिप्लाई मत करो। अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगी, रिप्लाई किया तो फिर वो ऐसा ही करता रहेगा। बेहतर है कि तुम उसे इग्नोर करो। क्या हुआ? धर्मन नहीं आया? वो साइकिल लेके आ रहा है। इजी ओके? सैम पानी लाना। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ गरम पानी। हाँ गोदर। फोन आया था, हमारा दोस्त कृष्णा है ना, वो कल रात एक एक्सीडेंट में मारा गया। वाइफ से मिलने के लिए वो गाड़ी में नागापट्टनम जा रहा था, तब शायद किसी गाड़ी ने उसे, उसकी वाइफ 9 महीने की प्रेग्नेंट है। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? तुम तो उसे ज्यादा जानती भी नहीं हो। कृष्णा पिछले 1 घंटे से हमें टेक्स्ट कर रहा है, वियर्ड बातें कर रहा है, हमें डर लग रहा है, कह रहा है कि वो यहाँ हमारे साथ है। सुनो मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। एक्सीडेंट की जगह पर कृष्णा का फोन किसी को मिल गया होगा, उसने देखा होगा किसी लड़की का नंबर है, तो उसे देखकर उसने तुमसे मैसेजेस में फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, बस यही हुआ होगा। क्यों सैम, तुम पागल हो गई हो क्या? वो कुछ भी बोल रही हो और तुम सुन रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? इस एरिया में सिग्नल कहां से आ गया? टावर निकाल कर 8 साल हो चुके हैं। ऐसा होने के चांसेस हैं, सैटेलाइट सिग्नल वीक होने से ऐसा हो सकता है। क्या इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? हो भी सकता है। बकवास बंद करो सैम। आई थिंक ये जो बोल रही है वो सही भी हो सकता है। उस नंबर को ब्लॉक कर दो और उस फोन को स्विच ऑफ कर दो। कल हम नागापट्टिनम चले क्या? बॉडी अभी तक मॉर्चरी से आई नहीं है। फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था ना गायत्री? ये देखो बैठ।
गौतम? हाँ। चलते हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अदिति, रिलैक्स। मुझे भी यही सही लग रहा है। मुझे भी यही सही लग रहा है। बकवास बंद करो तो अच्छा रहेगा। पागल हो क्या? ये फोन बिना बैटरी के चल रहा है और तुम्हें मजाक सोच रहा है? चलो ना प्लीज। इट्स ओके, जरा ऐसे पकड़ो। गौतम मेरे साथ चलो। देखो गौतम, तुम जानते हो मुझे इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर यहाँ जो हो रहा है दैट इज वे बियॉन्ड रैशनल एक्सप्लेनेशन। यहाँ से निकलने में ही हम सबकी भलाई है। दो दिनों में मैंने मिनिस्टर को प्रोजेक्ट प्लान सबमिट करने का वादा किया है सैम। गौतम, उससे ज्यादा जरूरी इनकी सेफ्टी है। सुनो, मैंने अपने प्रोफेशन में ही बहुत देखा है, डर हमें किसी भी हद तक ले जा सकता है। ठीक है, इन सबको बैग पैक करने के लिए बोल दो। ठीक है, चलो निकलते हैं, बैग्स ले लो। चलो जल्दी करो। ये लो अदिति, इसको पकड़ो। यहाँ ना, उसे मुझे दो। कम है, ओके? आई ओके? चले। चल चलते हैं। यू ओके? क्या हुआ? क्या हुआ गौतम? तुम बताते क्यों नहीं क्या हुआ? गाड़ी शुरू नहीं हो रही है। ये टॉर्च ले लो। ये लो। टॉर्च? हाँ, एक मिनट। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। गाड़ी में रहना, मैं अभी आता हूँ। कुछ नहीं, शांत हो जाओ दीदी। इट्स ओके, मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ। सारी कोशिशें कर चुका हूं, फोन भी नहीं लग रहा है। अंदर जाना होगा, ले आओ सबको। ठीक है, मैं देखती हूं। गाइस, फिर से अंदर ही जाना पड़ेगा। आर यू फ्रिकिंग किडिंग मी? बात समझो, गौतम सब ट्राई कर चुका है, घर का लैंडलाइन काम नहीं कर रहा, यहाँ टैक्सी भी नहीं बुला सकते, हमें वापस अंदर ही जाना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? चलो बच्चे को लेकर आओ। चलो अदिति।
जाते हैं ना, प्लीज भैया प्लीज। बाहर 15 किलोमीटर तक का रिजर्व फॉरेस्ट है, किसी जंगली जानवर ने हमला किया ना तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। चलो भाई मुझे जाना है, प्लीज चलते हैं। बाहर आओ भाई प्लीज, चलते हैं ना। चलो मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना है। बोला ना, चलो भाई सुनो ना, मुझे नहीं आना है। चलो मुझे नहीं आना है, तुम्हें जाना तो तुम जाओ। तो ठीक है, तुम्हें नहीं आना है ना तो मरो यहीं पर। सब लोग इतना रिया क्यों कर रहे हो? अब और कुछ होना बाकी है क्या? इसे इस तरह से देखो, तुम्हारा दोस्त कृष्णा तुम्हें सिर्फ मैसेज भेज रहा है, बस इतना ही। उसमें क्या है ये देखे बिना ही हम बेकार में रिया कर रहे हैं। ओके, मैं मानती हूँ कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मैसेज के अलावा तो कुछ नहीं कर रहा ना। इसे इस तरह देखते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहता है तो वो तुमसे ही कहेगा ना, किसी और से थोड़ी ना कहेगा। Make sense. सच में तुम लोगों को नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो रहा है? जो हमें मैसेज कर रहा है वो कोई और कृष्णा नहीं है, बल्कि वो हमारा मरा हुआ दोस्त कृष्णा है। गायत्री, डू वी हैव एनी अदर चॉइस? नहीं ना। गौतम तुम जाकर वो फोन ले आओ। माउंट रोसियार्ड स्कूल मिस्ट्री यही लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ तक मुझे याद है ये 8 से 10 साल पहले हुए एक हादसे के बारे में है। मैंने मैगजीन में कहीं पढ़ा था पर मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। क्या हो रहा है सैम? गौतम बताओ उसे। यह हादसा जहां पर हुआ, माउंट रोजियार्ड स्कूल, जानती हो वो कहां पर है? कहां पर है वो स्कूल? मैंने तुमसे कहा था बिना कुछ जाने तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? वो सब अभी जरूरी नहीं है सैम। प्लीज मुझे सच सच बताओ, इसमें और कृष्णा के बीच क्या लिंक है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है। तुम ही उससे पूछो। मुझे लगता है वो चला गया। बिना बैटरी के फोन काम कर रहा है और वो भी यहां। आई थिंक वो हमसे कुछ बात नहीं करना चाहता। वो ये मिस्ट्री हमें क्यों बता रहा है, और वो भी जब हम लोग यहां पर हैं? प्रोबेबली हमारे जरिए वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो।
इतनी रात में यहाँ पर कोई क्या पता कर सकता है? आंसर प्रॉब्लम में ही है, स्कूल की लाइब्रेरी में। आदिति, आदिति ऊपर आओ। आदिति, गौतम की बात तुम्हें समझ में नहीं आई? चुपचाप वहां पर बैठ जाओ। तुम में से कोई आए ना आए, मैं यहां से जा रही हूं। आदिति, आदिति, हे, आदिति रुको, हे, आदिति, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। यहां रहने से अच्छा है कि मैं बाहर जाके मर जाऊं। क्या हुआ? सैम, देखो अदिति जा रही है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, उसका ड्रामा मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। गेट तक जाकर वापस घर आ जाएगी, देख लेना। तुम ऊपर आओ। अदिति कहाँ है? मैंने उसे बहुत समझाया पर फिर भी वो चली गई। वो कहीं नहीं गई होगी। सुनो, ये अभी जरूरी नहीं है। क्या भाई आप भाभी है ना? ये पहाड़ी कुत्ते हैं क्या? ये सब जंगली कुत्ते हैं। तीन जंगली कुत्ते शेर को भी नहीं छोड़ता। वो कहाँ गए?
अदिति कहाँ है? ढूंढो उसे। अदिति! अदिति! जंगली कुत्ते अंदर आ गई। अदिति! बिना पूछ के कहीं मत जाओ। इसे पकड़ो। अदिति! ए, बहुत दुख रहा है क्या? ठीक हो ना? हाथ में क्या लगा? ये क्या हुआ? ये हाथ में क्या हुआ? शांत हो जाओ। कुछ नहीं। ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर आ गए, जल्दी चलो, जल्दी चलो। घर नजदीक आ गया। रो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जल्दी चलो। क्या हुआ अदिति को? कुछ नहीं हुआ सैम, कुछ नहीं। चलो तुम इसे अंदर ले जाओ। भैया आप तो ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। ठीक है आप फिगर मत करो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें अदिति, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ अदिति को, तुम गौतम को लेकर आओ। चलिए अंदर लेके जाओ। क्या कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। बताओ क्या हुआ? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ, तुम चलो ना, तुम जाओ, बोला ना, चलो चलो गौतम, शांत रहो। अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है। अरे ये तो अंदर उल्ला पे पैसेंग है सुनना पुरियर दे ले। कुछ पता चला क्या? चलो ना, चलो चलो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स। इस हेडलाइन को देखो, माउंट रोजियार्ड स्कूल मिस्ट्री, भूमिका मर्डर मिस्ट्री। इसकी कवर स्टोरी दी है, वो भी पेज नंबर 5 पर। यहाँ देखो, पेजेस मिसिंग है। एग्जैक्टली, ये देखो, इस मैगजीन में देखो, माउंट रोजियार्ड स्कूल कैंपस, नो सस्पेक्ट ऑन कार्स येट, पेज नंबर 8 पर इसकी कवर स्टोरी है। पर इसके अंदर पेज नंबर 89 गायब है। सिर्फ यही नहीं, ये देखो, रोजियार्ड में मौत, हादसा या खून, भूमिका की पूरी स्टोरी पेज नंबर 12 पर। इसमें भी सेम सिनेरियो, पेजेस ही नहीं है। ये सब आर्टिकल्स मैगजीन्स देखने पर एक ही चीज समझ में आ रही है, 15 साल की लड़की भूमिका जो मर चुकी है, पर इसके अलावा कुछ भी डिटेल नहीं है। इसमें किसी ने तो स्पेसिफिकली इन पेजेस को कट कर दिया है ऑन पर्पस। क्या हुआ? मुझे इसे रेबीज का इंजेक्शन देना होगा, पर अभी के लिए टीटी इंजेक्शन देकर उसके सारे वुंड्स को साफ करना होगा। पर उसके लिए भी वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, वो बहुत पैरानॉइड हो चुकी है गौतम। सैम, हाँ? इसके चिल्लाने की वजह से सिद्धू भी उठ जाएगा। यहाँ जो भी हो रहा है उसे पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसे यहाँ से अंदर ले जाओ। गौतम, मैं इसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं संभाल लूंगा, मैंने कहा ना, जाओ। टेक केयर। कोई बात नहीं। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कृष्णा ने कभी तुमसे कहा था कि वो कहीं तुम्हें दिखाई देगा? हाँ, उसने कहा था सीरियस होगी तब दिखेगा। तो क्या अब तुम सीरियस हो गई क्या? क्यों पूछ रहे हो? जरा देखो इसे। ये क्या है? गायत्री, कुछ मिला क्या? गौतम, क्या हुआ? आओ।
क्या हुआ गौतम? आओ ना बताता हूँ। हमारे दोस्त कृष्णा से मिलकर काफी दिन हो चुके हैं ना? क्यों पूछ रहे हो? आओ ना बताता हूँ। अभी देखना चाहोगी? देखो। कौन है ये लड़की? अब तक हमें जो मैसेज कर रहा था वो कृष्णा नहीं है। तो फिर? उसके नंबर से आ रहे थे तो हमें लगा कि कृष्णा भेज रहा है। तो इतनी देर से जो हमें मैसेज कर रहा था वो? भूमिका के नाम से टेक्स्ट भेज रही हूं, उसका फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। ये फोन बस एक कम्युनिकेशन का मीडियम है और कुछ नहीं। अगर ये ना हो तो वो क्या बोलना चाहती है हमें समझ में भी नहीं आएगा। हम चलते हैं ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। पहले तो इसका मुंह बंद करो, इसकी रोती हुई शक्ल देखकर ही डर पड़ रहा है। उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, इधर आओ। हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है और वो ये कि भूमिका एक 15 साल की लड़की है, राइट? 15 साल की लड़की किस क्लास में हो सकती है? Probably 9th या 10th. Exactly. यहाँ देखो, ये है 2010 के registers. इन सारे registers में भूमिका नाम की लड़की का कोई जिक्र नहीं है. वो वहाँ क्या कर रही है? सैम? हाँ। क्या कर रही हो? ये देखो, उसने एक ही सेंटेंस को बार बार टाइप करके भेजा है। तब से वैसे ही तो आ रहा है, आइंस्टाइन। गौतम, इसे ध्यान से देखो, ये सारे सेंटेंसेस एक ही तरीके से टाइप नहीं किए गए हैं। कैसे कह सकती हो? सिंपल है, इन सेंटेंसेस को जैसे भेजा गया है मैंने वैसे ही लिखा है। इन्हें ध्यान से पढ़ो, हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस में गैप्स और स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग हैं। हर लाइन में डिफर हो रहा है। So? I got it. एक ही कंटेंट को उसने बार बार टाइप करके भेजा है। अगर वो ऐसे मैसेज भेज रही है तो जरूर वो अपने माइंड में भी उसे ऐसे ही प्रोसेस कर रही होगी। इसका मतलब है कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। हो सकता है कि वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही हो, मे बी ऑटिज्म जैसा कुछ। श्योर हो? आई एम जस्ट गेसिंग दिस। इतना ही नहीं, अब तक जो भी इवेंट्स यहाँ हुए हैं उसकी तरफ से बहुत ऑब्सेसिव मैसेजेस आ रहे थे, राइट? और बाद में अचानक से बंद हो गए। अगर ऐसे लोग कोई चीज कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो वो ट्राई करना बंद कर देते हैं। कोई उनका कुछ भी कर ले, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम क्या करने वाली हो? देखो, साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हम पर से जो उसका विश्वास उठ गया है मैं उसे वापस पाने की कोशिश कर रही हूँ। सैम, तुम पर ना मुझे बहुत गर्व हो रहा है। भूतों की साइकोलॉजी को समझने वाली दुनिया की सबसे पहली साइकोलॉजिस्ट बस तुम ही हो। चुप बैठो। जो मैं गेस कर रही हूं अगर वो सही निकला तो अब उसका रिप्लाई जरूर आएगा। लेट मी डू दिस। मजाक बंद करो सैम। देखो गौतम, अदिति इस बार क्या हंगामा करने वाली है पता नहीं, तुम ही उसे हैंडल कर सकते हो। बी केयरफुल सैम।
क्या करना है, उसको खोलने के क्या, इसको पकड़िए। मेरा बात मानेगा नहीं, ये लो पकड़ो, जाओ अभी जाओ। धर्मन जरा लाइट देना। आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे, थोड़ा संभाल कर। ये पकड़ो, यहाँ ये लो। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, बोलेगा तुम्हें ढूंढ के देगा ना। यहाँ देखो, सुनो दीदी, भैया कुछ ढूंढ रहे हैं, वो लड़की कहाँ चली गई है, आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं, यहाँ चल क्या रहा है, कुछ बताएंगे मुझे? इस कैंपस में भूत है, समझ गए? 10 साल से ये जगह बंद है, तू यहाँ 1000 भूत आएगा ना, वो हमें क्यों तकलीफ देंगे? दीदी इतने रात में जैसे हम घूम रहे हैं, भूत ही हमें देख के डर जाएंगे। आप ठीक तो है ना? को सही जगह पे रखना। श्योर सर। बाहर से शांत दिखने वाला कैंपस असल में अंदर से शोर भरा है। इसके बावजूद गणेशन एक साधारण जिंदगी जी रहा था। वहाँ का स्कूल, लाइब्रेरी, कैंपस के अंदर के स्टाफ क्वार्टर्स और वहाँ रहने वाली भूमिका, इन्हीं के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है। कैंपस में रहने के बावजूद भूमिका यहाँ नहीं पढ़ पाई। कल गाजर लेके आना। क्या गणेशन सर, दिन ब दिन चेहरे की चमक कम होती जा रही है। एक काम करो, एक सुंदर सी लड़की से मेरी शादी करा दो, कब तक यूं ही अकेला जीता रहूंगा। अपनी शक्ल देखिए क्या? तू अपनी शक्ल देख, किसी लंगूर की जैसी दिख रही है। लंगूर से तो अच्छी है। भूमिका कहाँ है मेरी बेटी, क्या कर रही है? भूमिका चलो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने चलो बेटा। भूमिका ये क्या है, हमेशा ड्राइंग करती रहती हो। चलो ना बेटा। हाँ ठीक है बाबा, समझ गया मैं, चलो अभी चलते हैं। गणेशन की यही इच्छा थी कि वो भूमिका को किसी भी तरह उस स्कूल में 10th के एग्जाम दिलवाकर उसे पास करवा दे। भूमिका मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगा उसे अच्छी तरह से याद करके फिर मुझे सुनाना, ठीक है? तभी तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास कर पाओगी। अच्छी जगह भूमिका, एक इम्पोर्टेंट थियरी बताने जा रहा हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, समझ गई? While the beginning of the Paleozoic era is often described as an explosion of life, the end of the period that happened over 251 million years ago was more like an implosion of life, as much as 96% of all life on Earth went extinct during the event known as the PT extinction. Although the cause is not entirely understood, the PT extinction almost turned Earth into a lifeless planet. Chalo ab sunao. Bhumika, jab dekho khelti rehti ho. Chalo sunao na. While the beginning of the Paleozoic era is often described as an explosion of life, the end of the period that happened over 251 million years
was more like an implosion of life. As much as 96% of all life on Earth went extinct during the event known as the PT extinction. Aage? Although the cause is not entirely understood, the PT extinction almost turned Earth into a lifeless planet. एकदम तुमने सही बताया भूमिका, क्या बात है, हाथ मिलाओ मेरी प्यारी बेटी। अगर उसकी चीजों को कोई भी उनकी जगह से हटाता है तो वो बहुत बेचैन हो जाती है। वो ये नहीं चाहती कि उसकी चीजों को उनकी जगह से हटाया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बहुत घबरा जाती है। भूमिका के इर्द गिर्द के माहौल को उसके मुताबिक संभालने में ही गणेशन का पूरा वक्त बीत जाता था। बहुत अच्छी ड्राइंग करेगी मेरी बेटी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा कलर लाई हूँ। उसे सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पसंद थे। अननेचुरल चीजों से वो नफरत करती थी, इसीलिए उसे पॉलिएस्टर के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, जो उसे पसंद नहीं क्यों करती हो? बिन माँ की बच्ची है, इसलिए प्यार से लाई थी भैया। अपने प्यार को कचरे के डब्बे में डालो। मुझे लगा इतने सालों में वो बदल गई होगी। पहले अपने आप को बदलो, समझी? ऐसा कुछ मत करो जो उसे पसंद नहीं। जब वो पेंटिंग करने बैठ जाए तो उसे नोटबुक और कैनवस की बाउंड्रीज का पता ही नहीं चलता था। भूमिका, कितनी बार तुमसे मैंने कहा है पेपर के बाहर पेंट नहीं करना है? हर जगह गंदगी करती रहती हो, ये सब साफ करना पड़ता है मुझे। मेरी बात मानो बेटी, जिद मत करो, यहाँ करो पेपर पर। तू मेरी बात नहीं सुनेगी ना? अरे गणेशन, कोई किताब रह गई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर बेटी के एडमिशन के बारे में? कितनी बार कह चुका हूँ गणेशन, अपनी बेटी को स्पेशल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पेंटिंग के अलावा वो पड़ोस के खाली घर में जाकर अपना वक्त बिताती थी। सर, वो वहाँ अकेले उस घर में कैसे रह पाएगी? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। घर पर मैं उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि भूमिका अपने स्कूल से ही बोर्ड एग्जाम दे। सर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुम्हें, 2007 से ही ये रूल पास हो चुका है, इतनी आसानी से वो बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकती। डेढ़ सौ साल का ये पुराना स्कूल सैमुअल नाम के एक चालाक व्यापारी ने खरीद लिया। सैमुअल उस स्कूल को अपने हिसाब से डेवलप करने में जुट गए। इस 355 एकड़ के प्रॉपर्टी में स्कूल एक 25 एकड़ के हिस्से में आता है। इसके अलावा इन क्वार्टर्स को भी मिलाते हैं तो 50 एकड़ से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी का पूरा हिस्सा जंगल में जा रहा है। इस जंगल को ऐसे ही रखकर हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसे डेवलप करने में ही हमारा फायदा होगा। बढ़िया बोले सर। मैं और मेरे पति इस्माइल अख्तर, जो कि दुनिया की मशहूर पेंटर्स में से एक हैं, हम दोनों उसी स्कूल में गए। सर, 150 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग, ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन। इस स्कूल का लास्ट मैनेजमेंट इसे घाटे में चला रहा था। सर, दिस इज आवर स्कूल लाइब्रेरी सर। हेलो सर। शी इज आवर वाइस प्रिंसिपल सर। सर, दिस इज एंशिएंट, बहुत ही पुराना लाइब्रेरी है सर। खराब हो गया है, इसे थोड़ा थोड़ा रिपेयर करते जा रहे हैं सर। माय गॉड, ये पेंटिंग किसकी है? लाइब्रेरियन की बेटी की है। क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? और भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं सर। प्लीज। ठीक है सर। वो पहली बार था जब हमने उस लड़की को देखा। नमस्ते, मेरी बेटी भूमिका। हाय भूमिका। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। भूमिका, हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू कहो बेटा सर को। थैंक यू कहो ना। कई बार बताया है पर अभी तक सीख नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हाथ में क्या है? पेंटिंग्स है सर। पेंटिंग्स दिखाओ। छोड़ो जरा, छोड़ो। क्या कर रही हो?
एक हफ्ते का आर्ट वर्कशॉप होने वाला है, आप अपनी बेटी को वहाँ भेज दीजिए। सर वो हमारे स्कूल की लड़की नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम सर। स्कूल और उसके आसपास रहने वाले लोग और खुद गणेशन को उसकी बेटी में जो हुनर नहीं दिखा उसको पहचाना मेरे पति इस्माइल ने। इंडिया विभिन्नताओं का देश है। मैं भी हर हफ्ते तुम्हारे लिए मछली लाता हूँ, पर मुझे तो अब तक तुमने पका के खिलाई नहीं। पाओ किलो मछली तो लेके आया है, किस किस को खिलाएगा वो? पहले मेरी बेटी को 10वीं पास करने दो, फिर पूरे गांव को खाना खिलाऊंगा। खाना नहीं, शानदार खाना होना चाहिए। अरे पहले काम पर ध्यान दो। क्या काकी, आज भेजा फ्राई बनाया गया? भूमिका के भविष्य के बारे में क्या सोचा? सर भूमिका को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने, इस साल वो बोर्ड एग्जाम पास कर लेगी। सर गणेशन, भूमिका को इसकी जरूरत नहीं है। पर बिना एजुकेशन के कैसे हो पाएगा सर? हैव यू सर यूज द कलर व्हिच आई टोल्ड यू? सर्टिफिकेट भी तो जरूरी है ना सर? एक हफ्ते से हम आपकी बेटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। कल हम शहर जा रहे हैं, भूमिका की बनाई हुई पेंटिंग को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सबमिट करने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू सर। उस जगह को छोड़ने के बाद भी मैं और मेरे हस्बैंड भूमिका को कभी भुला ही नहीं पाए, इसीलिए हम उसे पेंटिंग की चीजें भेजते रहते थे। क्या है सर, क्या चल रहा है? आपको किसने पैसे दिए जा रहे हैं? हाँ हमारे स्कूल के बच्चे कभी कुछ करेंगे कि नहीं? और वो देखिए, एक लाइब्रेरियन की बेटी, उस लड़की को अवार्ड मिला। यही अवार्ड अगर हमारे स्कूल को मिला होता तो कितने धूमधाम से हम लोग जश्न मना रहे होते। सर वो अवार्ड हमारा ही है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने की खुशी में गणेशन भूमिका को हो रही तकलीफ को देख ही नहीं पाया कि वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है। तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया है, हमारे प्रिंसिपल सर ने हेल्प की, हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। चलो हम दोनों ये मिठाई का डिब्बा प्रिंसिपल सर को देकर आते हैं। चलो तैयार हो जाओ। अरे भूमिका, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? चलो ना सर को थैंक्स कहकर आते हैं। बैड मैनर्स नहीं, गुड मैनर्स सीखो। हाँ चलो ब्रश रखो, जहाँ भी जाती हो पेंटिंग शुरू कर देती हो। चलो आप चलो ना, हम लोग चलकर प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। गुड गर्ल, आ जा मेरी बेटी। चलो उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। उस दिन भूमिका घर से बाहर तो निकली पर उसके बाद उसकी मौत की खबर आई। गणेशन इस हादसे के बारे में बात करने के हालत में नहीं था। जिसकी जवान बेटी गुजर जाए उससे हम क्या पूछ सकते हैं।
बात सता रही है। कौन सी बात? कहीं ये वही स्कूल तो नहीं है ना? हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से मिली अखबारों की कटिंग्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भूमिका की मौत के पीछे एक बहुत ही बुरा हादसा छुपा हुआ है। न्यूज आर्टिकल्स की डेट्स को देखकर ऐसा लगता है कि इस हादसे के कुछ महीनों के अंदर ही स्कूल को भी बंद कर दिया गया। इस हादसे के कुछ महीनों बाद आसपास के गांव के सभी लोग यहां से सब कुछ छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है उसके मरने के बाद रोजयार्ड स्कूल के आसपास के सारे गांव खाली हो गए और 6 महीने के अंदर यहां एक भी इंसान नहीं बचा था। ये जगह पूरी तरह से जंगल का हिस्सा बन गई थी। ऐसा यहाँ क्या हुआ होगा? मतलब मैं भी मर जाऊंगी? भाई मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। बहुत ज्यादा बोल रही हो, एक ही थप्पड़ में सारे दांत यहीं पर गिरा दूंगा। इधर आओ, सुनो सुनो मेरी बात। ब्रीथ करो, ब्रीथ करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऐसे ही करो, करती रहो। ब्रीथ दूर हट, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। तुम अजीब सा फोन आती ना, ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता। यार बे, मैं सही बात करूंगी, ये पागल औरत। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हट। ए, ज्यादा मुंह चला रही हो। गौतम, पागल हो गए हो क्या? लड़की पर हाथ उठा रहे हो? गौतम, दिस इज अनफेयर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जाने दो दीदी, इट्स ओके, रिलैक्स। मारो मुझे, मारो। पता है यहाँ मारने तो लाए हो तुम मुझे। तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे मारकर सारी जायदाद हड़पना चाहते हो तुम? हाँ चाहता हूँ, जैसे कि हमारा बाप करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है ना, तुम्हें जान से मारकर मैं सब हड़पना चाहता हूँ। पूरी दुनिया से कर्जा लेकर वो तो चल बसा, आप आधे कर्जे की जिम्मेदारी तू ले ले और दफा हो जाए यहाँ से। क्या कहा तुमने? फिर से कहो क्या कहा। अब अपने डैड की इज्जत उछालो। इधर आ, मेरी बात सुनो। अदिति वो मर गए इसलिए इतना बोलने की हिम्मत कर रहे हो? यहाँ से अदिति कुछ अलग ही सब हरकतें देख रहे हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ए, जब वो जिंदा था तो कुछ कर नहीं पाया, तो मर के क्या करेगा? बैठो, चुप, शांत हो जाओ। गौतम, इट्स गेटिंग सीरियस। इस एरिया से लोग क्यों निकल गए ये बात हमें अभी तक पता नहीं चली है, और हम लोग अभी भी इसी जगह पर हैं। पर भूमिका के साथ क्या हुआ ये जाने बिना ही? गौतम, उसे अगर पता भी होगा तो वो बता नहीं पाएगी। देखो गौतम, उसे क्या चाहिए ये जानकर और उसे पूरा करके यहाँ से निकलने में ही समझदारी होगी। ठीक है गायत्री, यहाँ मुझे फोन दो। ये देखो, बी ब्लॉक सेकंड फ्लोर। सर दिख रहा है क्या? चाय लाऊं तुम्हारे लिए? ज्यादा सोचो मत, तुम तो जानती हो ना अपने भाई को। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो। शांति। ओके ओके। ये लो चाय। Sam.
से झगड़ा करके वो गांव छोड़ के यहाँ आ गया। पर क्यों? मेरी गलती है, मैं उन्हें समझ नहीं पाया। हम तो आदिवासी है, हम पुश्तों से जंगल में रहते आ रहे हैं। अभी कुछ साल पहले हम लोग को जंगल से निकाल दिया गया है। जब मैं छोटा था मुझे याद है सरकार ने हमें छोटा सा घर बना के दिया था, वो हमें कभी भी पसंद नहीं आया। वैसे यहाँ जब ही मनुष्य बाहर से आते थे और जंगल को अतिक्रमण करते थे वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात जब दादाजी को बताने जाते थे, पता है वो क्या करते थे? जंगल में जो कच्चे घर थे उन पर पेड़ों के जड़े पूरी तरह से फैले होते थे। वो वहां जाके खड़े रह के जोर जोर से हंसते रहते थे। वो देखे कुछ लोग उसको ज्ञानी बोलते थे, कुछ लोग पागल बोलते थे, पर वो ऐसे क्यों हंसते थे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पर अब जाकर मुझे समझ में आया कि वो ऐसे क्यों हंसते थे। आपने बचपन में कभी बीच के बोकर उसे उगते हुए देखा है? हाँ देखा है। फिर तो आपको जरूर पता होगा एक पौधा जब छोटा से बड़ा होता है तब उस पौधे को बड़ा होने के लिए मिट्टी पानी और धूप की जरूरत पड़ती है, तभी वो बढ़ पाएगा। और इतने मेहनत के बाद कुछ बीच ना अच्छे से पेड़ बन पाता है, सही कहा ना? तो एक बात बताइए, सीमेंट की दीवार में पेड़ कैसा उग रहा है बताओ? आप इसको कुछ भी कह लो, विज्ञान बोलो या कुछ भी, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, हमारा भूमि है ना, भूमि हर पल हमसे बात करते रहते हैं। पता है हमसे वो क्या बोल रहे हैं? पता है क्या? मुझे अपने आप को बचाना आता है, पर तुम देख लो तुम अपने आप को कैसा बचाएगा। Sounds like Gaia hypothesis. क्या मतलब? It's not a hypothesis anymore. It's a scientific theory. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। नाइनटीन फिफ्टीज में हम सब इन द सेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस और इंडस्ट्रीज की वजह से इस धरती का तापमान बढ़ रहा था और ये बात लोगों को पता चल गई थी। तभी बहुत सारे साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट इसके बारे में जानने के लिए कड़ी रिसर्च करने लगे। और तभी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी पूरी धरती एक जीता जागता जीव है। जैसे हमारी बॉडी में न जाने कितने ही बैक्टीरिया वायरस फंगस रहते हैं, उसी तरह इस धरती पर हम भी एक जीव है। ये धरती हमारे जीने के लिए हमें कई सारे साधन देती रहती है। और अगर हमारे शरीर में एक भी बीमारी होती है, तुम्हें तो पता ही है ना कि क्या होता है, हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ना शुरू कर देती है। जैसे बुखार होगा। फीवर क्या है? बदन गर्म होता है ना? ठीक उसी तरह ये धरती भी गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इस धरती में होने वाले चेंजेस हैं। ये सारे साइंस हैं। जिस तरह बॉडी का गर्म तापमान बॉडी के बैक्टीरिया को मार देता है, बिल्कुल उसी तरह ये धरती भी हमें खत्म करने की शुरुआत कर चुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा न जाने कितनी बार हुआ है और कितने सारे जीवों के साथ हुआ है ये कह नहीं सकते। This is the sixth extinction. तुम अभी ये सब क्यों बता रही हो? कुछ देर पहले आप लोग ने ये कहानी पढ़ा ना, उसमें आपको क्या समझा? मैं समझाएगा तो भी आपको नहीं समझेगा। भूमिका कौन है? ऑटिज्म से जूझ रही भूमिका और कोई नहीं, ये भूमि है। वो कहानी है ना, आप लोग और एक बार पूरा पढ़ लो तभी आप लोग समझेंगे। उसको
अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ प्यार से रहना और प्यार पाना ही पता है। उसे कोई भी नकली चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसको कुछ तौर तरीके है, उसको बदलने के लिए कोशिश करेगा तो उसको पसंद नहीं है। इस भूमि की कैद करने के लिए कोशिश करेगा तो कभी नहीं होएगा। कितनी बार तुमसे मैंने कहा है पेपर के बाहर पेंट नहीं करना है। उसको कोई भी कैद नहीं कर सकता। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, समझे तुम? तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया है। भूमिका को इसकी जरूरत नहीं। तुम सब पागल हो। जिस चीज में इतने लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने की ताकत है, उसे समझना हमारे बस की बात नहीं। तुम लोग अपनी मर्जी से करते जाएगा और वो तुम लोग को कुछ नहीं करेगी, है ना? अगर वो चाहे तो तुम लोग बच नहीं पाएगी। इतना में कितना नकरा तुम लोगों का। दीदी भूत देख लिया क्या?
आधे घंटे में हॉस्पिटल नहीं ले गए तो इसका बचना मुश्किल है। क्या हुआ? दीदी आप जाके गाड़ी शुरू करो। पर वो स्टार्ट नहीं हो रही। दीदी मेरा बात मान लो, अभी स्टार्ट होगा, आप जाओ। क्या? मैं इसको देख लूंगा, आप जाओ। आवाज मत करो, जल्दी जाओ, मैं जो बोलते सुनो, जाओ। इसे 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 यहाँ पकड़ो, आप जाओ। आवाज नहीं, जाए जाए जाए। सिद्धू कहाँ है? ओह शिट। गायत्री और अदिति को देखते हैं, जल्दी करो, गायत्री वहां है।
थैंक यू। उस हादसे के बारे में हमने किसी को कुछ नहीं बताया। सिद्धू भी अच्छे से बात करने लग गया। यही नहीं, वो अब रेगुलर स्कूल में भी जाने लगा है। Will you teach me how to climb? पर आदिति अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। धर्मन वापस अपने गांव चला गया। मैं चलती हूँ। हे, ज्यादा नाटक मत कर। मम्मी लंच बना रही है। नहीं गायत्री, अब निकलूंगी, तब जाकर शाम से पहले पहुंचूंगी। कितने बजे की फ्लाइट है? 3। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? विल मिस यू। या भूमिका का क्या हुआ, कुछ पता चला? इस 355 एकड़ के प्रॉपर्टी में बाकी का पूरा हिस्सा जंगल में जा रहा है। उस नए मैनेजमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स भूमिका को दुख पहुंचाने लग गए थे। इनिशियली ये बात किसी को समझ में नहीं आई। गणेशन को भी किसी ने धमकी देकर चुप करा दिया था। नई मैनेजमेंट ने इस हादसे को पूरी तरह से दबा दिया। यहाँ पेड़ काटने नहीं दे रही है, सारा का सारा काम रुका है। वो अपने लाइब्रेरियन सर की बेटी है क्या? मेरी बात मानिए। हाँ भैया। अरे उसे हटाओ वहाँ सर, काम शुरू करो यार। मैं सात लोगों से बात कर लूंगा, पेड़ को मत काटिए। भूमिका बेटी, भूमिका बेटी, भूमिका ये क्या कर रही है तू? बेटी मत कर ऐसा। भूमिका पिछले कुछ दिनों से मैं भी अपनी तरफ से रिसर्च कर रही हूँ। भूमिका के मरने के बाद कई लोगों की रहस्यमय तरीकों से मौत होने लगी। माउंट रोजियार्ड स्कूल की मिस्ट्री के बारे में क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? वहाँ पर होने वाले मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है, क्या ये तुम अब तक समझ नहीं पाई? भूमिका ने इतने मर्डर्स क्यों किए, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? वहाँ मरने वाले सभी लोगों में कोई भी स्टूडेंट या टीचर नहीं था, वो सभी लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। जब वो लड़की जिंदा थी, उसे अपने आसपास कोई चेंजेस पसंद नहीं थे। उसी तरह से करेक्ट। और अब वहां का पूरा एनवायरनमेंट उसकी स्पेस बन चुका है। पिछले 8 साल से भूमिका ने किसी को वहां आने नहीं दिया। वहां के एनवायरनमेंट को रिक्लेम करके उसने एक इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर किया है। वो है लाल गोरैया। मैं उसे देखे बहुत दिन हो गया बेटा। देखा जाए तो हम ही असली एविल है जो उस जगह को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। 10 साल से अबैंडेंड इस प्रॉपर्टी में बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई हैं और गंदगी भरी हुई है। वो वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं चाहती थी। हमारा वहाँ से निकलना ही बेस्ट था। गायत्री मैं चलती हूँ। हे जहाँ तक मैं जानता हूँ प्रॉपर्टी 8-10 साल से बंद पड़ी है। असलियत पता चलते ही उसके नजदीक कोई नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्या देखकर उस मिनिस्टर ने इस प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। पर अगर प्रोजेक्ट हाथ लग गया तो अपनी चांदी ही चांदी है। ये प्रॉपर्टी है कहाँ? तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? हम तो सुनामी में भी तैरने वाले लोग हैं। हमारा टाइम कब आएगा पैसे देखने का? ठीक है, तुम प्रॉपर्टी देखो, बाकी की बातें बाद में।
लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, तुम इस प्रोजेक्ट को ले लो। सर, दो दिन पहले ही आपको इसके डिटेल्स मैंने मेल कर दिए थे। देखिए। अरे बाप रे, ऐसा प्रोजेक्ट हमारे गांव में आ गया तो मजा आ जाएगा सर। हाँ। सर, अपने प्रोजेक्ट के लिए हम इन्हें ही बुलाने वाले हैं। हाँ, इतनी कम उम्र है इसकी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाएगी? गायत्री के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इस काम के लिए बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, इस प्रोजेक्ट को यही हैंडल करेगी। उसके बारे में तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। डील हो गई? लगता है चेक मिला है। वो डील तो पिछले हफ्ते ही हो गई थी। इसमें और कृष्णा के बीच क्या लिंक है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं तो? देखो गौतम, जवाब तो तुम्हें ही देना है। कह देना, काम शुरू हो जाए। कुछ भी हो जाए, ये काम शुरू कर देते हैं सर। अगर इन चीजों से मैं डरता तो कभी आता ही नहीं। तो उस मुसीबत का क्या? उसने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक देवी है। हमारे पूर्वज ऐसे ही नहीं कह गए। ये पूजा पाठ शक्ति को वश में करने वाली चीजें हैं। हमारे ये शास्त्र सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अच्छी तरह से भूमि पूजन करके कार्य का शुभारंभ कीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा सुनो जी सर, अगली बार जब तुम आओगे ना तो जरूर खाने के लिए रुकूंगा सर। क्या खाने पीने की बात करते हो हमेशा। अगली बार जब आओगे ना तो तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तुम भी इसमें शेयर होल्डर हो। तुम्हारा कितना परसेंटेज होगा अगली बार बताऊंगा। ठीक है सर। चलता हूँ सर। संभल कर जाना। दादाजी हमेशा बोलते थे, ये मट्टी हवा पानी ये किसी का भी खुद का नहीं है, पर ये इंसान है ना, एक नंबर का पागल है। वो भी बार बार कई बार बोलती रहती है, पर जो भी वो इंसान लोग सुधरेगा नहीं। इसके आगे भी अगर इस भूमि पर जीना है तो अपने नखरे छोड़कर मुंह बंद करके कान खोल के वो क्या बोल रहे सुन लो। जब एक दूध पीता बच्चा खुद की माँ को काटने लगे तब ओ माँ भूत बन जाएगी।
Lisa!